अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्रेज़ 123। मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए लाता रहूँगा दुनिया भर में खेली जाने वाली खेलों, ख़ास तौर पर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन वगैरह के मुतालिक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात। इसके अलावा इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी हर वो ख़बर जो स्पोर्ट्स के मुतल्लक हो, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बायोग्राफी, इनकी शानदार परफॉर्मेंसेस और दिलचस्प इंटरव्यूज़। अगर आप भी हैं खेलों में दिलचस्पी रखने वाले तो फौरन से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो और ख़बर आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम के मुतल्लक दिलचस्प मालूमात। बाबर आजम जो कि इस वक्त वनडे और T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बैट्समैन हैं, उन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर दुनिया भर के बड़े बड़े बल्लेबाजों को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। बाबर आजम पाकिस्तान के शहर लाहौर में 15 अक्टूबर 1994 में पैदा हुए। इनका पूरा नाम मोहम्मद बाबर आजम है। इनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ से पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग भी करवाते हैं। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद साहब का नाम आज़म सदीक है। क्रिकेट का शौक़ बाबर आजम को बचपन से ही था। उनके 3 चचाजाद भाई उमर, कामरान और अदनान अकमल हैं जो पाकिस्तान टीम की तरफ से इंटरनेशनल खेल चुके हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ डोमेस्टिक लेवल पर 16 साल की उम्र में ज़री तरक्याती बैंक की तरफ से खेल कर किया। इसके अलावा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सुई नादरन गैस की तरफ से भी डोमेस्टिक लेवल पर खेलते रहे हैं। बाबर आजम का इब्तदाई डोमेस्टिक कैरियर इतना शानदार नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत और मुस्तकल मजाजी का दामन नहीं छोड़ा और वो वक्त के साथ साथ उनके खेल में इतना निखार आ गया कि वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर दुनिया के मायानाज बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए और उनकी कामयाबियों का सिलसिला बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। ये तो था बाबर आजम का एक मुख्तसर सा तारुफ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबर आजम के बारे में मज़ीद बहुत सी बातें और हकाइक। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए हौसला मंद साबित होगी। आपकी हौसला अफजाई और मेहनत की वजह से हम इंशाअल्लाह आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोस जितनी जल्द हो सके अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक हमें अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।